मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेप सिग्नल कम स्कैनर बनाया है उसका ट्यूमर मैंने कल के लिए मतलब 8 नवंबर 2019 के लिए मैंने उस स्टॉक सुन के रखा है, उसका रिकमेंडेशन आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग कल तक जरूर देखिए क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी बात आप लोगों को शेयर करना है, जो कि आप लोग इसको स्क्रीनिंग कर अच्छी तरह से स्क्रीनिंग करके इसका फ़ायदा उठा सके और वैसे लेकर आप लोगों को सही तरीके से ऑनलाइन यूटिलाइज करने के लिए समझ में आ जाए। तो इसीलिए मैंने बहुत कुछ बोलना है, तो इसीलिए आप लोग को रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने निफ्टी और एनिफ्टी का वीडियो रेगुलर देता हूँ, निफ्टी और एनिफ्टी का परीक्षा में आना रेगुलर बेसिस पर देता हूँ और ये वैसे लेकर स्क्रीनिंग करके मैंने वैसे लेकर का रिकमेंडेशन करवाती थी और निफ्टी एनिफ्टी का रिकमेंडेशन मैंने दिखाता हूँ। तो यूट्यूब के साथ आप लोग को मिल जाएगा और जो मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बना के रखा है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में चार्ट का सेटअप जो है वो जो स्टॉक मार्केट से आप लोग को 90% प्रॉफिट दिला सकता है और जो कुछ स्ट्रैटेजीज है जो प्रैक्टिकल आर्बिट्रेज हाउ टू यूटिलाइज है हाउ टू टेक इंटर प्रॉफिट इन आर्बिट्रेज प्रैक्टिकल और भी कुछ स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म स्टॉक सुन ये सब आप लोग को बहुत सारा चीज़ आप लोगों से इन्फॉर्मेशन पर्पज मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि तभी और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप लोग जानते हैं कि मैंने दो फाइल मैंने बनाया हूँ, 22 लेवल कम स्किनर और 22 लेवल 3 मैंने बनाया हूँ। 22 लेवल 3 ये मैंने सेव करने के लिए एक्चुअली इसमें वैसे लेवल 3 रहते हैं, सेव करने के लिए फाइल नंबर वैसे लेवल 4 है और ये वैसे लेवल स्किनर 1 ये सेव करके एक्चुअली स्किनर 1 मतलब सेव करने के लिए सेवर्स करने के लिए ये स्किनर 1 होता है जो लोग आप कॉल करते हैं और खुद भी जानते हैं। तो ये मैंने जो जानता है ये दोनों फाइल वैसे लेवल कम स्किनर 1 और स्किनर और वैसे लेवल 3 बनाया हूँ क्योंकि वैसे लेवल 3 बनाया हूँ क्योंकि इसमें जो वैसे लेवल कम स्किनर में तीनों लेवल रहता है, वैसे लेवल 1 वैसे लेवल 2 और वैसे लेवल 3। तो वैसे लेवल 3 तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोग को स्टॉक्स का जो चुना हो वो भी आप लोग को दिख जाएगा। जो वैसे लेवल 3 तीनों बनाया हो तो इसमें वैसे लेवल कम स्किनर में ये तीनों लेवल रहता है और कुछ स्ट्रेटजीज रहता है जो आप लोग को स्क्रीनिंग करने से हेल्प करेगा और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं और स्क्रीनिंग करके उसके बाद वैसे लेवल देख सकते हैं। तो ये तो ताकि आप लोग को स्टॉक मार्केट से वो आसानी से सीरियस प्रॉफिट मिलेगा, बहुत सेफ एंड ईजी है एंड बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको स्क्रीनिंग करके इसको फायदा उठा सकते हैं। इसमें मैंने और भी जो इसका जो वैसे लेवल लिखा है मैंने और भी जो 5 और 30 का क्रॉस ओवर इधर लगा दिया हूँ, तो इधर स्क्रीन करने से और भी आप लोग को सुविधा आ जाएगा। इसके अंदर मैंने जो उसके बाद और इसके अंदर आप लोग को वैसे लेवल 3 मिलेगा और भी कुछ और दूसरा कुछ इंडिकेटर्स मिलेगा, कुछ लॉन्ग इंडिकेटर आप लोग को मिल जाएगा, इसमें भी इससे भी आप लोग को सुविधा हो जाएगा। और इसमें जो वैसे लेवल मैंने इसमें वैसे लेवल 1, 2, 3 रखा है और वैसे लेवल 3 मैंने अलग से फाइल बनाया हूँ। ये वैसे लेवल 3 मैंने अपट्रेंड और अपट्रेंड का वैसे लेवल रखा हूँ और राइट एंड डाउन ट्रेंड का वैसे लेवल रखा हूँ। तो अपट्रेंड का बहुत वैसे अपट्रेंड और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल से करेगा और डाउन ट्रेंड में कौन सा लेवल में अपट्रेंड जब डाउन रिटेस करके डाउन आएगा तो सेल कहाँ पर सेल करना है, जो डाउन ट्रेंड रिटेस करके बाई होगा तो कब सेल करना है बाई करना है और डाउन ट्रेंड नीचे जाएगा तो कब कहाँ पर सेल करना है और कौन सा स्टॉक्स कौन सा लेवल पे है वो भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा। और इधर से आप लोग स्क्रीनिंग भी कर ले सकता है, एक बार आप लोग ट्रेंड पकड़ लीजिए उसके बाद सोच लीजिए। इधर से आप लोग स्क्रीनिंग वाला वीडियोज़ और भी पहले वाला वीडियोज़ देखिए, सब बहुत मैं बहुत लोग बोलता हूँ और भी बोलता हूँ क्योंकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसमें इधर जब आप लोग ट्रेंड को एक बार पकड़ लेंगे ये सब स्क्रीनिंग करके, इधर से मैंने स्क्रीनिंग करके स्क्रीनिंग का चीज़ लगाया हूँ
ये करंट हाइक माइनस वी एस कोस, करंट लो माइनस वी एस कोस, करंट प्लस माइनस वी एस कोस और इस हाई लो प्लस एंड वी एस कोस का एवरेज, ये सब ये पहले ही स्क्रीन कर लीजिए। मेरा स्क्रीन पर वीडियो देखिए आप लोग, और उसके बाद जब करते तो बीमा का पॉलिसी पर पहले में तो ओनली अपट्रेंड अपट्रेंड का वाइसन लेवल देखना है। जब ये ट्रेंड डाउन में आप लोग डाउन साइड स्क्रीन करेंगे तो ओनली आप डाउन ट्रेंड का वाइसन लेवल देखना है और कुछ देखना नहीं है। तो इसीलिए आप लोग को इसमें इसमें फ़ायदा होगा। और ये मैंने वाइसन लेवल का थीमा बनाया हूँ और जो देखिए जो वाइसन लेवल आप लोग का परफॉर्मेंस वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो जी मैंने और ये जो मैंने कुछ वाइसन लेवल बनाया हूँ ये बहुत अच्छी तरीके से जो वाइसन लेवल स्कीमर ऑन में है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। मैंने करेंट डाटा लिया था 3 बजे या 3:15 बजे ऐसे कुछ टाइम में मैं मार्केट अपने ओपन को लाने लिए आज का परफॉर्मेंस का वाला वीडियो में ये दिखा हूँ। तो और भी दिखाता हूँ इसके बारे में दिखा और भी जो स्टॉक्स अगर आपको दिखाऊँगा या अगर सोच लीजिए कुछ भी स्टॉक्स अगर देख लीजिए डी एस एफ देखिए आप डाउन साइड में ही मैच हुआ है। तो इसमें देखिए ये 1797 हाई हुआ है। इधर मैंने फॉर्म लगा हूँ ये मेरा लेवल है जो हाई है करेंट हाई है आप लोग कॉलम देख सकते हैं जो हाई है उसका कॉलम है। तो ये तो है एंट्री मेरा जो बाय का एंट्री लेवल से ये हाई ऊपर है। तो ये देखिए 1797 ये हाई हुआ है। तो इसको देखिए तो मेरे बहुत कितना इसका बड़ा एंट्री लेवल था तो इसका बड़ी एंट्री लेवल था डी एस एफ का सोच लीजिए 1797 इसका हाई था। उसके बाद ये 1797 का हाई मिल गया था। तो इसके आप लोग करंट डाटा में मैंने और भी एक स्टॉक दिखा था हमें एक्चुअली मैंने इसका वाइस लेवल परफॉर्मेंस में दिखा दिया था लेकिन ये वाइस लेवल ऑन का परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दिखा पाया इसीलिए दिखा था हमें। और मेरा जो दोस्त लोग मेरा फिर व्हाट्सएप ग्रुप का है वो लोग मतलब बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए उनको भी मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो आप लोग देख लीजिए। देखिए हीरो मोटो कप ये वाइकल लेवल में मैच किया है जिसमें 2:34 हाई हुआ है। इसका वाइकल एंट्री लेवल आप लोग को दिखाता हूँ वाइकल एंट्री लेवल था 2498 उसके बाद 2534 इसको ये हाई हुआ था। तो उसके बाद आप लोग क्रॉस ये एंड ऑफ का डे आप लोग काम करेंगे एंड ऑफ मैंने मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है 1.5 का वैसा लेवल 1 वैसा लेवल 3 और आप लोग एंड ऑफ द डे डाटा में काम कीजिए। तो इसमें आप लोग को ऑलरेडी अच्छी तरह से कॉपी डाले देखिए बैंक निफ्टी इधर कितना दिया था 800 एक्चुअली 898 ऐसा कुछ मैंने बाद में अपडेट किया इधर देख लेता है कि कितना हाई हुआ था अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये 898 हाई हुआ था। लेकिन इधर तब जो मैंने दिया था 834 हाई दिया था ओपनिंग में था 734 के ऊपर देखिए इधर 680 इसका लेवल था बाइक का एंट्री लेवल था। जब एक लेवल का ऊपर या नीचे प्लस सोच लीजिए 680 के ऊपर प्लस 788 736 ओपन हुआ था। तो इधर नेक्स्ट लेवल तक नेक्स्ट लेवल के लिए आप लोग को देखना है और उसके बाद इसका भी ऊपर जाएगा तो उसका भी आप लेवल में देखना है उसका भी ऊपर जाएगा तो इसका आप लेवल में देखना है कि टारगेट वन से टारगेट फोर वहाँ का वहाँ का है टारगेट फाइव से लेकर टारगेट वन ढाई का हुआ था। सेल में भी ऐसा है टारगेट वन से टारगेट सेल बीच में आया था टारगेट वन से टारगेट फोर वहाँ करो और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट वन ढाई करो। तो ऐसा करके आप लोग को देखना है। और कुछ कमोडिटी को आज का ये जब डाटा लिया था उस टाइम इतना नहीं था तो इसीलिए मैंने कराया। उसके बाद मैंने करेंट डाटा लिया था लिया है उसको भी अभी दिखा रिव्यू देता हूँ। सोच लीजिए मैंने उधर कमोडिटी सोच लीजिए खुल गया देखा ये 4165 इसका बाइक का एंट्री लेवल था। उसके बाद देखिए आज कितना हाई गया था 4194 हाई गया था। तो आप कल का आप लोग डाटा लेके एंड ऑफ द डे डाटा लेकर काम करते थे आप लोग को अच्छा प्रॉफिट आएगा। सिल्वर देखिए 4351 ये इसका बाई एंट्री लेवल था सॉरी बाई एंट्री लेवल था ये 4441 ये हाई हुआ था और 4399 डॉलर